हरियाणा में बीजेपी ने जीत का हैट्रिक बना लिया। बीजेपी विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। 8 अक्टूबर 2024 की तारीख देश की राजनीति में ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज हो गई। बीजेपी ने हरियाणा में वो करके दिखा दिया जो आज तक नहीं हुआ था। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक बना ली। इस बंपर जीत के साथ बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आठ अक्टूबर 2024, पूरे देश की निगाह दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर था। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह पर कांग्रेस और उसके सहयोगी लीड करते हुए दिखे। दो रीजन और दोनों जगहों पर आमने सामने की टक्कर हो जाती है तो कांग्रेस का जो सहारा है वो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसी के पीछे पीछे आगे बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर एक चौंकाने वाला जो रुझान है वो सामने आया है, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो 56 सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस हरियाणा में वापसी करने जा रही है और बीजेपी सत्ता से आउट होने जा रही है। नौ बजते बजते कांग्रेस रुझानों में 60 के ऊपर पहुंच चुकी थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न के मूड में आ गए थे। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाने लगे। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हुई, जहां कांग्रेस दिख रही थी वहां बीजेपी का आंकड़ा पहुंचने लगा और जहां सुबह में बीजेपी थी वहां कांग्रेस पहुंच गई। दोपहर होते होते पूरी तस्वीर ही बदल गई और ये साफ हो गया कि बीजेपी हरियाणा में बंपर जीत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद आलोचक चीख चीख कर ये बताने में लगे थे कि मोदी का जादू उतरने लगा है, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने ये बता दिया कि मोदी अब भी असरदार है, बहुत ज्यादा असरदार। मोदी असरदार कैसे हैं अब ये समझिए। पिछले 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सरकार में है। यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा था। यही नहीं, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश हुई। लेकिन चुनाव से कुछ महीनों पहले बीजेपी ने सीएम फेस बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया और बीजेपी ने सीएम के चेहरे की बजाय मोदी के काम पर वोट मांगना शुरू किया। पीएम मोदी ने हरियाणा में 4 रैली कर करीब 40 सीटों को कवर किया। जिन सीटों पर मोदी ने रैली की उनमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित हरियाणा बीजेपी का हर नेता ये जोर देकर बता रहा है कि हरियाणा की जीत मोदी की वजह से है। अपने खुले मिजाज के लिए मशहूर हरियाणा की जनता ने इतिहास रच दिया है। किसी भी दल को तीसरा मौका न देने वाले हरियाणा ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता की चाबी सौंप दी है। एग्जिट पोल और शुरुआती रुझानों में आगे रही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।